प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अपनी अंतिम चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने पूर्व सैनिकों को लेकर अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को विस्तार से बताया। मोदी ने पिथौरागढ़ रैली का आगाज गढ़वाली में भाषण के द्वारा किया। मोदी ने देवभूमि के स्थानीय देवी देवताओं के मंदिरों का उच्चारण कर उनके आशीर्वाद की कामना की। प्रदेश में हरदा टैक्स हो या फिर राज्य सरकार द्वारा हाइड्रो पावर में किए जा रहे कामों के व्यवधान हो, हर मुद्दे पर पीएम ने रावत सरकार पर जमकर हमला बोला। पर्यावरण, पानी, पौधों को लेकर प्रधानमंत्री ने पहाड़ के लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। प्रदेश के मुखिया हरीश रावत के पहाड़ों से पलायन करने को भी पीएम मोदी ने मुद्दा बनाया। जय बद्री विशाल। देवभूमि गढ़वाल का केंद्र बिंदु, श्रीनगर मां दूर दूर बटी आया, आप लोगों का एक चुनावी सभा में स्वागत छे। ये मोदी आया है, इसने तो घोषणा करी तो उन्होंने आनंद फानंद में, जब बजट आया तो बजट में 500 करोड़ रुपए ला दिया, वन रैकॉर्ड पैसेंजर 500 करोड़। और उनके नेता मोदी की रैली के बाद लोगों में काफी उत्साह था। पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मिलने उनके बीच पहुंचे। मोदी के इस अंदाज को देखते हुए हर कोई हदप्रत था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच हैं। देवभूमि न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद।